हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन डॉग्स थिंग्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी डॉग ब्रीड की जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड लॉयल होते हैं, और इस ब्रीड की अपनी समझदारी की वजह से इसे काफ़ी सारी मूवीज़ में भी लिया गया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गोल्डन रेट्रीवर की हिस्ट्री एंड ओरिजिन। दोस्तों, गोल्डन रेट्रीवर्स का ओरिजिन स्कॉटलैंड से है, और काफ़ी सालों तक इस ब्रीड को लेकर एक मिथ फैली हुई थी कि ये ब्रीड सर्कस से खरीदे हुए रशियन डॉग ब्रीड से आई है, जबकि ये सच नहीं है। गोल्डन रेट्रीवर्स को स्कॉटलैंड में लॉर्ड ट्वीटमाउथ के द्वारा डेवलप्ड किया गया था। सर ट्वीटमाउथ एक ऐसी गन डॉग ब्रीड बनाना चाहते थे जो बारिश के मौसम में और उबड़ खाबड़ वाले रास्तों से भी मारे गए पक्षियों को अपने मुंह से बिना उन्हें डैमेजेस पहुंचाए ला सके। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, जो गोल्डन रेट्रीवर का मजल होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसीलिए 1835 से 1890 के बीच में सर ट्वीटमाउथ ने अपने येलो रेट्रीवर को ट्वीट वाटर स्पैनियल से मेट कराया। ट्वीट वाटर स्पैनियल आज के वक्त में लुप्त हो चुके हैं, बट ट्वीट वाटर स्पैनियल के हंटिंग फील्ड में रेट्रीवर स्किल्स, शांत स्वभाव और लॉयल्टी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें आज भी गोल्डन रेट्रीवर्स में देखने को मिलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सर ट्वीटमाउथ ने वहाँ से आए फ्लैट कोटेड रेट्रीवर्स को और भी ट्वीट वाटर स्पैनियल्स, रेड आयरिश सेटर और ब्लड हाउंड जैसे डॉग्स के साथ मेट कराया, और इवेंचुअली में गोल्डन रेट्रीवर्स आए। इसलिए कहा जाता है कि गोल्डन रेट्रीवर्स काफ़ी डॉग ब्रीड से बनी एक नस्ल है। गोल्डन रेट्रीवर्स को पहली बारी 1908 में ब्रिटिश डॉग शो में देखा गया, जहां से इस ब्रीड को देखकर काफ़ी सारे लोग खुश हुए थे, और इस ब्रीड को अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी एक्सपोर्ट किया गया, और 1932 में AKC यानी अमेरिकन कैनल क्लब में फर्स्ट गोल्डन रेट्रीवर को रजिस्टर्ड किया गया था। विथ फैमिली एंड किड्स, गोल्डन रेट्रीवर्स बेस्ट फैमिली डॉग्स होते हैं, और ये हाईली सोशलेबल, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल डॉग्स होते हैं, और घर के सेंसिटिव फैमिली मेम्बर्स लाइक बड़े बूढ़े और छोटे बच्चों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल और काम होते हैं, और अगर आपके पास दूसरा कोई स्मॉल पैट भी है तो भी उनके साथ पोलाइटली रह लेते हैं। इसलिए घर के बच्चों के लिए अगर आप गोल्डन रेट्रीवर लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। लिविंग विद गोल्डन रेट्रीवर्स, गोल्डन रेट्रीवर्स घर पर अकेले नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इनको अपने फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और इन्हीं के साथ वक्त गुजारना इनको पसंद होता है। ज़्यादा टाइम तक घर में अकेले रहने पर गोल्डन रेट्रीवर्स में एंजाइटी जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं, इसलिए अपने गोल्डन रेट्रीवर को अकेले ना छोड़कर उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। और गोल्डन रेट्रीवर्स हाई एनर्जेटिक ब्रीड होती है जिन्हें गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है, इसलिए पार्क में ले जाकर इनके साथ गेम्स जरूर खेलें, और ये स्मॉल हाउसेस, अपार्टमेंट्स, लार्ज हाउसेस कहीं पर भी इजीली रह सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी, गोल्डन रेट्रीवर का कोट थिंक डेंसिटी एंड वाटर रिपेलेंट आउटर कोट विद अंडर कोट होता है, जो कि कुछ कोट इनमें वेवी होते हैं और कुछ स्ट्रेट होते हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा शेडिंग करते हैं। डेली ब्रशिंग गोल्डन रेट्रीवर्स के लिए ज़रूरी है, और सर्दियों में गोल्डन रेट्रीवर्स ईजिली रह लेते हैं, बट गर्मियों में आपको इनकी थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी होगी, और ओवरऑल अपना इंडियन क्लाइमेट इनके लिए बेस्ट है। ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन, गोल्डन रेट्रीवर्स काफ़ी इंटेलिजेंट, जेंटल एंड लॉयल डॉग्स होते हैं, और अपने समझदारी की ही वजह से काफ़ी लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। ये कोई भी ट्रिक्स को जल्दी सीख लेते हैं, इसलिए गोल्डन रेट्रीवर्स को ट्रेन करते वक्त आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और सोशलाइजेशन में भी ये ब्रीड बेस्ट है, ये स्ट्रेंजर्स के साथ और अदर पेट्स के साथ काफ़ी पोलाइटली और प्लेफुल बिहेव करते हैं, लेकिन फिर भी इनको बाकी डॉग्स की तरह बचपन से ही सोशलाइजेशन ज़रूर कराना चाहिए। गार्ड डॉग्स, गोल्डन रेट्रीवर स्ट्रेंजर्स पर काफ़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, और अपने काम नेचर की वजह से भी ये गार्ड डॉग के लिए बेस्ट नहीं है। अगर आप एक डॉग को रखना चाहते हैं और गार्डिंग भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ये ब्रीड मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। हाइट, वेट एंड लाइफ स्पैन, गोल्डन रेट्रीवर मेल की हाइट 23 इंचेस टू 24 इंचेस तक होती है, फीमेल की हाइट 20 इंचेस टू 22 इंचेस तक होती है। गोल्डन रेट्रीवर मेल का वेट 26 केजी टू 36 केजी तक होता है, और फीमेल का वेट 25 केजी टू 34 केजी तक होता है, और इनका लाइफ स्पैन 10 टू 12 ईयर्स तक का होता है। कलर्स, गोल्डन रेट्रीवर्स गोल्डन कलर के सभी शेड्स में आते हैं, जैसे ये लाइट गोल्डन टू डार्क गोल्डन में आते हैं, बट ये आपको वाइट कलर में भी मिलेंगे, लेकिन AKC में इस कलर को मान्यता नहीं दी गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो गोल्डन रेट्रीवर के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम नमस्ते एंड जय हिंद।